1886 में दुनिया के मजदूरों ने जो संघर्ष करके एक लड़ाई की शुरुआत की थी शोषण के खिलाफ, आज उस लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ाने की आज की ज़रूरत है। आज इस मोदी सरकार के राज में ये चीज़ साफ साफ सामने है कि मजदूर की हालत दिन पर दिन और ज़्यादा खराब होती जा रही है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के टाउन हॉल के पास, जहां दिल्ली के अलग अलग कोनों से बड़ी संख्या में मजदूर, रंगकर्मी, छात्र, नौजवान सभी मई दिवस के उपलक्ष्य में मौजूद हुए हैं। ये मई दिवस मजदूरों के लिए, अपने संघर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिस तरह से पूरे देश भर, दुनिया भर के मजदूर आज के दिन अलग अलग जगह अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकारों के जो संघर्ष, उनकी पहली जीत हुई थी उसका जीत का उत्सव मनाते हैं। इसी उत्सव में यहाँ के मजदूर भी शामिल हुए, तो यहाँ अलग अलग जो मजदूर यूनियन और मजदूर संगठन के नेता और आम मजदूर आए, उनसे बात करके आज के दौर की उनसे चुनौतियाँ समझी और मई दिवस का महत्व उनके जीवन में क्या है उनसे बात करके समझने का प्रयास किया। देखिए वो क्या कहते हैं। मई दिवस का बहुत स्वर्णिम इतिहास है और आज़ादी आने से पहले से रामलीला ग्राउंड से सब इकट्ठा होके मजदूर पुरानी दिल्ली की गलियों में से निकलते हुए टाउन हॉल पे आते थे, यहाँ ख़त्म करते थे। कि आज एक बार फिर ये ज़रूरत है कि मई दिवस की जो भावना है उस भावना को हर मजदूर को अंगीकार करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो 8 घंटे की लड़ाई है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। सरकार चाहती है कि 12-12 घंटे की ड्यूटी की जाए। घर खाता कामगार की बात करें, उनके काम की कोई पहचान नहीं होती, उनकी कोई निश्चित आय नहीं होती है, उनकी कोई छुट्टियां नहीं होती है। अगर हम डोमेस्टिक वर्कर की बात करें, उनको भी कोई निश्चित वेतन नहीं मिलता है, काम ज़्यादा लिया जाता है, पैसा कम दिया जाता है, उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, कोई चीज़ की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पहले कम से कम एक फैक्ट्री हुआ करता था, मालिक होता था, दिखता था, कहीं पता होता था, मालिकों से एक रिश्ता रहता था मजदूरों का। लेकिन अभी जो स्थिति है, मालिकों से कोई रिश्ता नहीं है, वो या तो उनको थर्ड पार्टी बुला दें या अगर डायरेक्ट भी उनको लिए हुए हैं काम पे, तो उसके बाद भी यही बोलेंगे कि हमारा कोई मतलब नहीं है, तुम अपना देखो। अगर थोड़ा विरोध हुआ, थोड़ा कोई चीज़ बातचीत होना शुरू हुआ, किसी तरह से भी अगर लगा उनका कि कोई एक मांग या कोई ऐसा चीज़ पूरा करने के लिए अगर वो बात भी रखते हैं, ये नहीं कि वो विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ और चीज़, सिंपल अगर उन्होंने अपना मैसेज भी दे दिया है TL को या बाकी लोग को, तो उसके बाद डायरेक्ट उनको वहाँ से रिट्रेंच कर दिया जाता है, इलीगली डाटाबेस से नाम हटा दिया जाता है। कोई भी यूनियन बनाने की बात या सोचने की बात भी अगर होती है तो उसके बाद लगातार उनको ले ऑफ किया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि वेतन लोगों की कटौती हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। हम ये भी जानते हैं कि लोगों के हड़ताल के हक को कुचलने की कोशिश हो रही है। तो जो लेबर कोड्स लाए जा रहे हैं, वो लेबर कोड्स श्रमिकों के आंदोलन को नकारा करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, पंगु करने के लिए लाए जा रहे हैं। वो किस लिए लाए जा रहे हैं? क्योंकि सरकार जिन नीतियों को अपना रही है, उस नीति के जरिए से अपने चहेते हिंदुस्तान के कॉरपोरेट घरानों को और विदेशी कॉरपोरेट घरानों को मदद देने के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उन नीतियों का विरोध करती हैं ट्रेड यूनियंस, तो ट्रेड यूनियंस की इस अपोजिशन को कुचलने के लिए लेबर कोड लाए गए। जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, उनको सबको आउटसोर्स किया जा रहा है, उनको निजीकरण किया जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा लगातार लागू की जा रही है, जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है, उनको ना पूरा दाम मिलता है। और जो श्रम कानून हमारे हैं, जिनके रहते हुए भी मजदूरों को राहत नहीं मिलती है, उन सारे श्रम कानूनों को समाप्त करने की कोशिश करके 4 लेबर कोड में बदलने की कोशिश की जा रही है। भारत में मई दिवस अपना 100वां साल पूरा करने जा रहा है। एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज भारत के लिए भी, और मई दिवस का दिन अपने आप में भी ऐतिहासिक होता है। लेकिन इस पूरे समय में अगर हम देखें कि भारत में जो मजदूरों की हालत है, देश के राजधानी दिल्ली में हर दिन, इवन कल तक हमने देखा कि साउथ दिल्ली में बुलडोजर चले, देश में हमारे देश की राजधानी में जिन इलाकों में गरीब मजदूर रहते हैं वहाँ लगातार बुलडोजर चला करके लोगों को बेघर किया जा रहा है। देश के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से बहुत बेशर्मी से अलग अलग राज्य 12 घंटे काम का कानून लेकर के आ रही हैं। हमने देखा किस तरीके से जो भी फैक्ट्री एक्ट्स थे उन सबको वायलेट करते हुए दिल्ली जैसे शहर के अंदर आए दिन मजदूरों की मौतें हो रही हैं। 1886 पहली मई के दिवस में जो आंदोलन शुरू हुआ कि 8 घंटे के काम हो, मजदूरों ने सीधे बात कही थी 24 घंटे हैं, 8 घंटे काम के
8 घंटे आराम के और 8 घंटे परिवार के साथ। वो लड़ाई तब से चली, पूरी दुनिया में चली, तो 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना, उसका जो कन्वेंशन नंबर 1 है वो 8 घंटे के काम पे है। अभी नरेंद्र मोदी ने एप्पल कंपनी को प्रॉमिस किया कि तुम यहाँ इन्वेस्ट करो, और उनके कहने से कि अगर इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो काम के घंटे फैक्ट्री एक्सचेंज करो, उसको 8 से 12 करो, और कर्नाटका के अंदर उसको बिल को लाया गया और पास किया गया। उसका प्रतिरोध जब यूनियंस ने किया, उनको सरकार के ही अदारों से पता लगा कि हम नहीं ला रहे थे, प्रधानमंत्री के कहने से किया, यानी पीएम ऑफिस डायरेक्ट कर रहे हैं। और जबकि लेबर कोड्स स्टेट और सेंटर दोनों के अधिकार क्षेत्र में है, और स्टेट से पूछे बिना केंद्र सरकार थोप नहीं सकती है। हर दिन हम देखते हैं कि जहां पर मजदूर लड़ रहे हैं कि ठेका करण को ख़त्म किया जाए, दिल्ली के केंद्र अस्पतालों के अंदर हमने देखा कि भाई उनको पक्का करने की बात तो छोड़ दीजिए, उनको उल्टा काम से निकाला गया है। कभी 250, कभी 300, एक 8%, कभी 3%, हर महीना आप देखिएगा ये एक संख्या को वो ले ऑफ लगातार कर रहे होते हैं, ये बोल के कि ताकि हमारा और प्रॉफिट हो। तो ये जो नया है, नया जो जितना भी अगर देखा जाए ऐप का जो मतलब कंपनी है, वो पूरी तरह से इसी तरह काम कर रहा होता है कि एक कहीं मालिक बैठा हुआ है, वो किसी और को काम दिया, किसी वेंडर को काम दिया, और उस पर लगातार प्रेशर बना रहा होता है कि मजदूरों को एकजुट नहीं होना देना है। ट्रेड यूनियन डी रिकॉग्निशन आम बात हो रही है, ट्रेड यूनियन बनाना मुश्किल किया जा रहा है, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन मुश्किल किया जा रहा है। तो हर तरीके से मजदूरों को कुचलने का ये जो रास्ता है उस पे सरकार निकली हुई है। गिग वर्कर में क्योंकि एक जगह ये लोग स्टेबल एक जगह काम नहीं कर रहे होते, लगातार मोबाइल होते हैं, तो आप अगर एक जगह किन्हीं से मिले हैं तो फिर वो दूसरे जगह पे मतलब कब मिलें आपको, उस जगह वापस कब आए। जैसे बहुत सारे ऐसे भी है, कुछ जगह तो जोन बटा हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर तो ऐसा है कि जोन को छोड़ छोड़ के उनको बहुत दूर दूर भेजा जाता है लगातार। और यही कोशिश रहता है कि जब भी अगर पहले जैसे मान लीजिए इनका कुछ जगहों पे स्पॉट्स हुआ करता था, कुछ जगहों पे इन पे ऑफिसेज थे, जैसे इनको लगा कि ऑफिस भी एक विरोध का जगह हो सकता है, ऑफिस पे भी लोग कुछ अपना डिमांड कर सकते हैं, इन्होंने ऑफिसेज भी बंद करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वर्कर्स बुलाते नहीं हैं इनको, वर्कर्स अगर नहीं बुलाते हैं, बुलाते हैं पार्टनर्स हैं, और पार्टनर बुलाने के बाद ये स्थिति रहती है कि जो ESI हो गया, EPF हो गया, जितने भी सोशल सिक्योरिटी हैं, ये इनको नहीं देते हैं। इनके राज में गरीबी और अमीरी की खाई गहरी होती चली जा रही है, और इतनी गहरी कि इस वक्त जो देश की कुल धन दौलत है उसमें 50% लोग जो नीचे के हैं, 70 करोड़ लोगों के हिस्से केवल और केवल कुल धन दौलत का 3% आता है, और जो ऊपर के अमीर 1% लोग हैं उनके हिस्से कुल धन दौलत का 40.5% आता है। और GST की बात करें तो ऊपर के 10% लोग केवल 3% GST देते हैं, और नीचे के यही गरीब गुरबा 50% लोग 64.5% GST का देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि गैर बराबरी भी बढ़ रही है, और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए से गरीब की जेबों को और काटा जा रहा है। और जब अगर बातचीत हो कि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है, तो ये बोलेंगे तुम वर्कर ही नहीं हो, तुम तो वॉलेंटियर हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम जैसा ये बोल भी रहे हैं, इस बार अपने बयान में बोला भी है ब्लिंकिट के मालिक ने, ये बात बोल रहे हैं ब्लिंकिट का मैनेजमेंट कि जितने भी हमारे साथ काम कर रहे हैं वो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं। और आप देख लीजिए अगर उनके बारे में अगर ऐसा है, डाटा है, बाकी चीज़ें हैं, तो हमको वही लोग मुहैया करवाए और वही बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने फुल टाइम काम करने वाले लोग हैं। ये जो चीज़ें आ रही हैं लगातार मजदूर वर्ग के सामने, जो ये चुनौतियां आ रही हैं, इससे आज का मई दिवस और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि 1886 में दुनिया के मजदूरों ने जो संघर्ष करके एक लड़ाई की शुरुआत की थी शोषण के खिलाफ, आज उस लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ाने की आज की ज़रूरत है। ऐसी परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री फेल है लोगों के सवालों का जवाब देने में, महंगाई के, बेरोजगारी के प्रश्न, वेतन के प्रश्न, सुरक्षा के प्रश्न, पेंशन के प्रश्न, वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ाने की कोशिश है, देश के अंदर अराजकता पैदा करने की कोशिश है, और इस कोशिश के अंदर नफरत फैलाने वालों को शह दिए जा रही है। जो हर तरीके से महिलाओं का दमन करने वाले लोग हों उनको भी सुरक्षा दी जाती है।
पहलवान बच्चियां बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे, और वहां पर वो कह रही हैं कि मंत्री को सजा दो, लेकिन मंत्री क्या कह रहा है, मुझे प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं रिजाइन करूंगा, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए नहीं बोल रहे कि बिल्किस बानो के अपराधियों को भी उन्होंने छुड़वाया, और इस तरीके के तत्वों के जरिए से लोगों को डरा धमका के कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं और नफरत फैला के कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। तो मजदूर दिवस के इस मौके के ऊपर हम हलफ लेने के लिए पहुंचे हैं, कृत प्रतिज्ञा होना चाहते हैं कि संघर्षों को याद रखेंगे, कुर्बानियों को याद रखेंगे, जो हासिल किया है जाने नहीं देंगे, जो हासिल नहीं हुआ है उसको हासिल करके ही दम लेंगे। और 2024 आ रहा है, श्रमिकों को सताया, किसानों को सताया, तो अब नरेंद्र मोदी की बारी है, तुमने सबको पीटा है, अब 2024 में तुमको लेसन सिखाएंगे, अपना झोला ढूंढना शुरू करो, ताकि झोला लेके, बड़ा आपको शौक है अपने झोले की बात करने का, ढूंढिए उस झोले को, तैयारी कीजिए, 2024 आ रहा है। नरेंद्र मोदी, हम भी आपको सलाम सत श्री अकाल नमस्कार बोलेंगे, आप कुर्सी छोड़ करके जाइए यहाँ से।